सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जहां पे टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्ट करता है। इसका मतलब अगर हम लोगों ने पानी में यानी टैंक में पानी है और उसमें अगर कोई एक वर्टिकल प्लेट डाल दिया, तो अब वो वर्टिकल प्लेट हम लोग ने डाला तो प्लेट का पहले तो होता है ज्योमेट्रिक सेंटर जो उसका सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड के नीचे आता है सेंटर ऑफ प्रेशर जहाँ पे एक्ट करेगा टोटल फोर्स, यानी वो पानी की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस वर्टिकल प्लेट पे। तो हमेशा ये होता है कि जो सेंट्रॉइड है और सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंट्रॉइड से नीचे रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है सेंटर ऑफ प्रेशर का, एच स्टार इज इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। यानी आप ये देख सकते हो एच बार क्या है, पानी के फ्री सरफेस से लेके ज्योमेट्रिक सेंटर प्लेट के उसके बीच में जो हाइट है वो रहेगा एच बार। और क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले में एच बार के साथ प्लस में कुछ टर्म है यानी आई सफिक्स जी अपॉन ए एच बार जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड से नीचे एक्ट करता है वर्टिकल प्लेट में। अगर प्लेट हॉरिजॉन्टल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लेवल एक ही समान रहता है तो एच बार और एच स्टार सेम रहेगा। लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस किधर देखने मिलता है? अगर प्लेट या तो वर्टिकल है या फिर इंक्लाइंड है।